बहुत जुनून चढ़ा था ना एसएसपी संध्या राठी को सच बोलने का। अभी तो मैजिस्टेरियल कमिटी ने सिर्फ पावर्स छीन लिए और आरजू के केस से हटाया है, लेकिन अगर कोमा में पड़ी आरजू को कुछ हो गया तो फिर तो संध्या राठी का सिर्फ करियर नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सच, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी एसएसपी संध्या राठी को। शुक्र मनाइए कि आरजू का लिखा हुआ नोट मैंने बदल दिया, वरना पूरी दुनिया को पता चल जाता कि इस गुनाह में आपका भी हाथ है और फिर कोई नहीं बचा पाता आपको। आरजू को खत्म कर दो, अगर वो जिंदा रहे आज नहीं तो कल मेरा नाम सामने आ ही जाएगा। आरजू को खत्म करना इतना आसान नहीं है, पूरे के पूरे हॉस्पिटल में फौजी छावनी रखी गई और इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई उसके पास भी नहीं जा सकता है। उसके डॉक्टर को कोई नहीं रोक सकता। मैं आरजू को मारने के लिए अपना एक आदमी भेज रहा हूं, तुम इसे डॉक्टर के रूप में आरजू तक पहुंचा दो, बाकी वो कर लेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर की आईडी और ड्रेस का इंतजाम कर देती हूँ, बट प्लीज आप जिसको भी भेजेंगे ध्यान से भेजिएगा, कोई सही इंसान ही भेजेगा, क्योंकि अगर पकड़े गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। आरजू कहाँ है? तुम यहाँ ड्यूटी पर हो ना? कहाँ गई आरजू? अरे तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं दत्ता, कहाँ है, कहाँ गई आरजू? आप लोग रुकिए, मैं इनकी मदद करता हूँ। क्या हुआ सिस्टर? लाइए मैम पकड़ लेते। अरे तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं दत्ता, कहाँ है? माफ कीजिएगा मैडम जी, हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि अब आप इस केस के इंचार्ज नहीं हैं, इसलिए आरजू के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। किसने कहा तुम आरजू को मारने के लिए? किसके आदमी हो तुम? बताओ किसने भेजा है तुम्हें? देखो वरना गोली मार दूंगी अभी। कह बताओ किसने भेजा तुम्हें यहाँ पे?
तुम आरजू को क्यों मारना चाहते थे? तारो से वही हो ना जिसने उस दिन मिनिस्टर साहब पे हमला करने की कोशिश की थी और आज आरजू पर। जल्दी बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, वरना इसी वक्त अब तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बोलो। हाँ, मैंने उस दिन मंत्री पर हमला किया था। अरे जान से मार देना चाहता था देश के उस गद्दार को, लेकिन आज मैं आरजू को मारने नहीं उसे बचाने आया था, क्योंकि उसकी ग्लूकोज की बोतल में जहर मिलाया गया था। संध्या जी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, आरजू की जान यहां खतरे में है, इस हॉस्पिटल में वो सेफ नहीं है। आरजू को कोई लैब अटेंडेंट टेस्ट के लिए लेके गया था, पर आज तो आरजू का कोई टेस्ट ही नहीं होना था। फिर आरजू को बाहर कौन लेके गया होगा? गॉड, जहर का इंजेक्शन तो मैंने उसकी ग्लूकोज बॉटल में डाल दिया है, लेकिन अगर मंत्री जी को ये पता चल गया कि मैंने आरजू पे नजर नहीं रखी और कोई अनजान आदमी उसे अपने साथ ले गया, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एसएसपी संध्या को मैंने चंद्रमाती में दौड़ते हुए देखा था, कहीं उसने उस आदमी को तो नहीं देख लिया? अगर वो आदमी उसके हाथ लग गया तो उसे सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। अरे सुफिया, कहाँ जा रही हो? स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास है, आपको चाहिए क्या? नहीं। अरे मंत्री पुरुषोत्तम कोई जनता का सेवक या देश का सच्चा बेटा नहीं है, जैसा कि वो अपने भाषणों में कहता रहता है, बल्कि उसने ये नकाब जनता की और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए पहना हुआ है। उसका असल धंधा है मौत का व्यापार करना। अरे मंत्री पुरुषोत्तम गुल मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करके पैसे कमाता है, और पुरुषोत्तम जैसे आस्तीन के सांपों की वजह से ही गुल मोहम्मद जैसों की पहुंच हमारे घर तक हो गई है। तुम जानते भी हो कि तुम किस पर आरोप लगा रहे हो? जानते भी हो किसके बारे में ये बातें कर रहे हो तुम? और मैं क्यों मान लूं कि तुम जो कह रहे हो सही है? हो सकता है कि तुम्हारी कोई निजी दुश्मनी हो उनसे, या फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठी कहानी रच रहे हो तुम। सच क्या है वो बताओ तुम। मुझे दो मिनट दीजिए, सारे के सारे सच आपके सामने आ जाएगी, प्लीज दो मिनट। देखो कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेलकम सिस्टर, बधाई हो, अब आप बहुत जल्दी सरकारी मेहमान बनने जा रही हैं। अपने सारी जिंदगी जेल में बिताने की तैयारी कर लो। कौन हो तुम? सीबीआई इंस्पेक्टर। आरजू की ग्लूकोज की बोतल में जहर मिला है, तुम ही ने डलवाया था? क्यों? नहीं। अब चाहे काम तुमने किसी के कहने पे किया हो, तुम्हारी बाकी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई समझो। जो कुछ भी तुमने किया है ना वो बहुत है, मेडिकली तुम्हारा नर्सिंग का सर्टिफिकेट तो गया ही, और बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी अपने जुर्मों पे आंसू बहाते हुए। नहीं नहीं, मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। चुप, एकदम चुप, मुंह से आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए।
मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। हमें पता था कि आरजू के साथ ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए आरजू जिस दिन इस हॉस्पिटल में आई थी ना, 2400 घंटे उस पर कैमरों से नजर रहती थी। तुम्हारे खिलाफ ना सारे सबूत रिकॉर्डेड है हमारे पास। मुझे प्लीज छोड़िए, प्लीज मैं सब बताती हूँ। मजबूर हो गई थी, इतने बड़े आदमी के सामने मेरी क्या औकात, मैंने बस उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने पहले कुछ नहीं किया, प्लीज। ठीक है, एक मौका देते हैं तुझे, सच बोलियो। अगर सच बोला तो मैं वो सारे वीडियो टेप्स खत्म कर दूंगा। बस मुझे वो नाम चाहिए जिसके कहने पे तूने ये सब किया है, और अगर गलत नाम बोला तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उनका नाम मिनिस्टर पुरुषोत्तम है। आरजू का लिखा कागज भी तुम ही ने बदला था ना? हाँ। तो ये बता सुफिया कि आरजू ने अपने उस कागज में लिखा क्या था जो तुम्हें उसे बदलना पड़ गया? छिपाने या झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम क्या होगा ना तुम सोच भी नहीं सकते। देखो मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम्हें उर्दू बहुत अच्छे से आती है, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे हमदर्दी की उम्मीद तो करना ही मत। मुझे उर्दू आती है, आरजू ने लिखा था कि जेल में उसे किसी तरीके पता चल गया था कि गुल मोहम्मद की मदद मिनिस्टर कर रहा है, वही बताने के लिए वो जेल से भाग गई थी, लेकिन जब तक वो वहां पहुंची तब तक आग लग चुकी थी। उसने आपसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन लेकिन गुल मोहम्मद का एक आदमी आपको फॉलो कर रहा था, इसलिए इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आपको टेरिस पे जाने से भी रोकती रही, क्योंकि क्योंकि वो आदमी आपको जान से मारना चाहता था। आरजू आपको बचाना चाहती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। पुरुषोत्तम के गुलाम बनने के पीछे वजह क्या थी तुम्हारे पास? पैसों के लिए, मैं बहुत गरीब परिवार से, मैंने सोचा इतने बड़े आदमी की गर्दन बचाऊंगी तो मोटा इनाम मिलेगा, इसलिए वो मुझे जो जो बोलते कि मैं वो करती गई। मैंने बस उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, इसलिए उनके कहने पर मैंने उनके आदमियों के साथ मिलके आरजू की ग्लूकोज की बोतल में जहर मिला दिया और वो नोट भी बदल दिया था। शर्म आ रही है मुझे तुम जैसे लोगों पर। डॉक्टर और नर्स को लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि तुम लोग लोगों की जान बचाने की ताकत रखते हो। जान लेने का काम सिर्फ शैतान का होता है, इंसान का नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन अगर मैं नहीं बिकती तो कोई और बिक जाता, और मुझे ये भी लगता है कि मेरे अलावा यहाँ
हॉस्पिटल में कोई और भी है जो चोट की हेल्प कर रहा है। तुम इसको आरजू के कमरे में छोड़ाओ। आरजू को गए तो बहुत देर हो गई है, अब तो टेस्ट हो भी जाने चाहिए थे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे आरजू से मिलना है। आरजू, आरजू। मैडम जी प्लीज आप रुकिए, रुकिए प्लीज। हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि आप आरजू से नहीं मिल सकती हैं। प्लीज मैडम जी आप चले जाइए प्लीज। अगर आप नहीं गए तो हमें मजबूर होकर आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। प्लीज मैडम जी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, कोई बात नहीं, मैं चले जाती हूँ। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।